हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। दोस्तों, आज इस वीडियो में जनरल साइंस के 3000 प्लस क्वेश्चंस के सुपर सीरीज में 100 इम्पोर्टेंट रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है क्या कहलाता है? तो उसे धातु कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों जैसा आचरण करता है, यानी दोनों जैसा व्यवहार करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम और पोटेशियम कैसी धातु है? तो सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु है। दोस्तों, इसे चाकू से काटने पर यह आसानी से कट जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का प्रमुख अयस्क है, चांदी का प्रमुख अयस्क क्या है? तो अर्जेंटाइट है। नेक्स्ट है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, लोहे का निष्कासन किस अयस्क से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट से। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेशियम। नेक्स्ट है, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो यह जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह थोरियम का अयस्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट है, कैलामिन किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो यह जस्ता का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपिज लेलुजी अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, कार्नाटाइट किसका अयस्क है? तो यह यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, फेलास्पार स्रोत है? तो यह एल्युमिनियम का स्रोत है। नेक्स्ट है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, अर्जेंटाइट अयस्क है? तो अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट है, रूबी कॉपर किस धातु का अयस्क है? तो यह तांबा का अयस्क है। नेक्स्ट है, हॉर्न सिल्वर अयस्क है? तो हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट है, गैलेना किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो यह सीसा का अयस्क है। नेक्स्ट हैवी स्पार अयस्क है? तो हैवी स्पार बेरियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम का निष्कासन किया जाता है? तो यह समुद्र से निष्कासन किया जाता है। नेक्स्ट है, चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली कौन सी धातु है? तो यह सोडियम धातु है। नेक्स्ट है, सोडियम धातु को किस चीज़ में रखा जाता है? तो यह मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से यह जल्दी से रिएक्ट कर लेता है और आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट है, सोडियम सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा? तो वह जलने लगेगा, क्योंकि पानी में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के साथ में संपर्क में आकर वो जलने लगेगा। नेक्स्ट है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप का प्रयोग करते हैं, इसमें कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो इसमें सोडियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 10H2O। नेक्स्ट है, गैलाबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो गैलाबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4 10H2O। नेक्स्ट है, सोडा लाइम मिश्रण है, तो सोडा लाइम मिश्रण है NaOH+CaO का। नेक्स्ट है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। नेक्स्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है NaAlO2। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट है, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइपो का रासायनिक सूत्र है Na2S2O35H2O। नेक्स्ट है, साधारण नमक का अणुसूत्र क्या है? तो साधारण नमक का अणुसूत्र है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलयन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोबन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली लवण है? तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली लवण जल है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है? तो यह सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धता वायुमंडल से नमी सोखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोषों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है, मिलाकर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बालाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो यह मैग्नीशियम में नाइट्रोजन जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्राइड उत्पन्न करता है? तो यह मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्राइड उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन होता है, तो यह मैग्नीशियम का आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है MgSO4 7H2O। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कहा जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अम्लीयता हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पेट की अम्लीयता को हटाने के लिए मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति मुलायम खनिज सॉल्ट है, तो अति मुलायम खनिज सॉल्ट है मैग्नेशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम धातु का निष्कासन मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कासन किया जाता है, तो विद्युत अपघटन के द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कासन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का भूपरपट्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम जो है भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमरी कहलाता है, तो एमरी अशुद्ध एल्यूमिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र है K2SO4Al2SO43 24H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम है हाइड्रेट एल्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अपेक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलुमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है, तो यह एलुमिना का गलनांक हटाने के लिए क्रायोलाइट मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल एलुमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म सांद्र गंध काम्ल के एलुमिनियम प्रतिक्रिया कर देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि तथा अस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि वह द्रवणांक हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है TCaSO4H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3MgCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र होता है? तो हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र होता है CaH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो यह ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा सुधारक कहा जाता है? तो मृदा सुधारक कहा जाता है जिप्सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्या निष्कासित करता है? तो यह क्लोरीन का निष्कासित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? तो यह ब्लीचिंग पाउडर के व्यापारिक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के स्थान आवर्त सारणी में किस ओर है? तो आवर्त सारणी में बाईं ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु एकमात्र द्रव में पाया जाता है? तो द्रव के रूप में पाया जाता है पारा। नेक्स्ट है, सबसे कम चालक धातु है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक चालक धातु है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने के विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणनीति धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को रणनीति धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु या उनके यौगिक से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के
नीचे पाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो उसे खनिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे खनिज जिसे धातु को आसानी से प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है, तो अयस्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो इसके अशुद्धि को गैंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में गैंग को हटाने के लिए मिलाया जाता है वह पदार्थ फ्लक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ धातु मल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कसकर गर्म करना क्या कहलाता है, तो कसकर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में कसकर गर्म करना क्या कहलाता है, तो जारण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्रित अयस्क में कोक एवं शुद्रावक मिलाकर द्रवणांग के ऊपर गर्म करने की विधि को प्रगलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है फेन प्लावन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत अवकरण विधि से प्राप्त की जाती है, तो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली परत के रूप में बनाई जा सकती है, तो इसका आघात वर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट है, पारे का प्रमुख अयस्क है, तो पारे का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। दोस्तों ये थे लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।